Hey, what's up everyone? My name is Parth Girotra and you are watching Taza Khabar. सबसे पहले बात कर लेते हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी ने स्वाति मालीवाल के बारे में बात करते हुए अपनी वीडियो में ये कहा। आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया कि 13 मई के दिन जब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार अचानक से आए, बिना किसी प्रोवोकेशन के उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें गालियां दी और उनके साथ मारपीट करी। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद स्वाति ने पुलिस में शिकायत करी। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे कि इन्हें लाते मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी। लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो सामने आया, इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा गंजा। 3 से 4 दिन बाद जब स्वाति पुलिस के साथ दिखी तो वो लंगड़ाती हुई दिखी। लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया, इस बारी सीसीटीवी फुटेज का उस दिन। इसमें दिखता है कि जब वो सीएम हाउस से बाहर निकली तो वो बड़ी तेजी से चलकर गई थी और पेवमेंट से कूद कर गई थी। क्या स्वाति यहाँ पर झूठा आरोप लगा रही थी? इस पर स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, आपके लीडर्स और वॉलंटियर्स ने तो मेरा करेक्टर असैसिनेशन और मुझे विक्टिम शेमिंग किया ही है। साथ ही ध्रुव राठी ने मेरे अगेंस्ट वन साइडेड वीडियो बना के मैटर को और बढ़ा दिया। मैंने ध्रुव राठी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अपनी साइड की स्टोरी बता सकूं, लेकिन उसने मेरे कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर किया। ये शेमफुल है, जो लोग खुद को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहते हैं वो भी आपके स्पोक्स पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। एलविश यादव भी ध्रुव राठी को एक्सपोज करने की तैयारी में है। कल इस पर बात करते हुए एलविश यादव ने अपनी वीडियो में ये कहा, रोस्ट नहीं कहते उसको, रोस्ट तो मैं लाइव करता हूँ, जो मजाक मस्ती वाला रोस्टो से कहते हैं, मजाक मस्ती थोड़ी करूँगा ध्रुव राठी के साथ में। मजाक मस्ती का टाइम तो उसने पुराना हो गया, अब जंग होगी, पता लग जाएगा भाई। अभी से जज मत करना वीडियो को, चाहे मेरी मम्मी होगी, चाहे जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे गवार आ जाएंगे वीडियो के, अनएजुकेटेड है, वीडियो देखना, उसके बाद देखूंगा तुम कितने ब्रेन वॉश हो या कितना तुम्हारे अंदर अपना जी बच रहा। तू भी देखना वीडियो ना, तुझे मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मिली है ना मुझे अंदर से। ध्रुव भाई, इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई हैव पीपल इन साइड योर टीम जो मुझे अंदर की कई चीजें बता गए, बैड। एलविश यादव ने एक्टर प्रकाश राज के बारे में भी बात की और उसने अपनी वीडियो में क्या कहा, आप खुद ही सुन लो। आज एक भाई इनको वो मिल गया, आज प्रकाश राज साउथ का एक्टर है ना, साउथ का एक्टर, वो सिंगम में वो चीटिंग करता है, तू सिंगम वो मिल गया भाई। भाई बड़ा लेफ्टिस्ट आदमी है भाई, बड़ा लेफ्टिस्ट आदमी है, महागदम जितने भी हमारे वो देख रहे हैं, राम भक्त देख रहे हैं ना भाई, बड़ा लेफ्टिस्ट आदमी, जानते होंगे ट्विटर वाले लोग। करा उसने? अरे कुछ भी नहीं, मतलब वो बैठे थे मेरे सामने और लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ा रहे थे। नहीं मैं ले और हां से नहीं ले और था तो भाई वो मिले बस, कुछ नहीं भाई। फिर क्या लोगों को क्या पढ़ा रहे, न्यूज़ पढ़ा रहे थे? कौन सी न्यूज? वही न्यूज जो होती है टाइम्स ऑफ इंडिया में। अरे बताना पूरी यार, तुम तो खुल के नहीं बताते। एंटी मोदी न्यूज पढ़ा रहा था भाई सभी लोगों को प्रकाश राज, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। अमित बड़ाना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कैसे उन्होंने 22 किलो वेट कम किया है अपनी एक वीडियो के रोल के लिए, वो भी सिर्फ 70 दिनों में। लड़कियां 45-46 किलो की होती है, आपने 22 किलो कम कर दिया तो 92 था, उसको 70 ही लेकर गया। कैसे किया भाई, कितने दिन में किया? 70 दिन लगे केवल। कौन सा फॉर्मूला भाई? मैं खाना था 5 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता था, ठीक है एक, और दिन में मैंने क्या नाम है 10 बजे के आसपास खा लिया सुबह, फिर हाँ 10 बजे के आसपास मैं खा लेता था, फिर 12-1 बजे के आसपास थोड़ा थोड़ा सा, मतलब वो डिसाइडेड था कि वर्क भागना 5 किलोमीटर। जिम नहीं? कुछ जिम मैंने कभी नहीं, आज तक मैंने जिम ही नहीं किया। एक मीडिया पर्सन ने कपिल शर्मा से रिक्वेस्ट की महेंद्र सिंह धोनी को अपने शो पे बुलाने के लिए, इस पर कपिल शर्मा ने ये कहा, कपिल भाई खाली धोनी जी को बुला लीजिए शो पे। अच्छा चलो ठीक है, हम ट्राई करें। धोनी जी चाहिए, ठीक है माही भाई, इस बार माही भाई, कपिल भाई माही भाई चाहिए शो पे। थकेश ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में जैकी श्रॉफ ने उन पे केस किया था उसके बारे में बात की। गए तो गए जग्गू दादा हाई कोर्ट में गए कंप्लेन करने, यार मेरे को बोल देते पर्सनल डीएम निकाल देता वीडियो यार, बट कुछ था ही नहीं वीडियो में निकलने ऐसा। क्या जग्गू दादा, आपको तो मैंने थकेश शो के लिए मैसेज भेजा था, नहीं आना था तो ना बोल देते, ये सब करने की क्या जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट इज अ थग सेना मेंबर, ये उन्होंने बोला कि वीडियो टेक डाउन नहीं हो सकता बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारे फ्रीडम के खिलाफ है, ऐसे ही कुछ बोला। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, सॉरी हाई कोर्ट वालों। चलो थोड़ी स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया क्रिकेट टीम के कैप्टन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और माइंडसेट होता है। देखिए कैप्टन का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको अलग अलग तरीके के लोगों को हैंडल करना है, एक तरीके के लोग नहीं होते। सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी है कैप्टनसी करते हो कि सब लोगों को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि सबको फील होना चाहिए कि आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई एम इम्पोर्टेंट। जब भी कोई मुसीबत लेके आते हैं आपके पास तो आपको वो अच्छे तरीके से सुन के क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उस चीज़ का, वो आपको जानना है और वो आपको अपने टीममेट्स को बताना है। मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर दोनों तरीके दोनों डिपार्टमेंट में मुझे प्रिपेयर करना है, बट फॉर मी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं सारी जो मेरी प्रेप है और मुझे जो भी
देखना है, समझना है ऑपोजिशन के बारे में, ग्राउंड के बारे में, वो मैं सब जाके देखता हूँ। रिंकू सिंह के कुछ मूवमेंट्स काफी वायरल हो रहे हैं आफ्टर विनिंग आईपीएल ट्रॉफी। गॉड्स प्लान बेबी। Feeling outstanding, sir. Get back! Thank you so much! काफी अच्छी फीलिंग है, 7 साल से इस टीम के साथ खेल रहा हूँ और 7 साल में आज ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा। बस यही कहना चाहूंगा, एक सपना पूरा हो चुका है और एक सपना भी बाकी है मेरा, वो है वर्ल्ड कप। चलो थोड़ी बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। पुष्पा 2 मूवी का नया सॉन्ग अंगारों आज रिलीज हो गया है। सलमान खान की सिकंदर मूवी में विलन के रोल के लिए बाहुबली में कटप्पा का रोल प्ले करने वाले एक्टर को कास्ट किया गया है। अनन्या पांडे की नेक्स्ट मूवी का नाम होगा कॉल मी बे। चलो थोड़े टेक अपडेट्स देख लेते हैं। कैरी यूनाइटेड ने गेमर्स के लिए एक फोन सजेस्ट किया है, लुक। गेमर्स होते हैं 3 प्रकार के, नूब, प्रो और फिर आते हैं बैडएस। अगर तुम्हें भी एक बैडएस गेमर बनना है, तुम्हें चाहिए एक बैडएस फोन। इनफिनिक्स GT20 Pro सारी गेम्स हाई सेटिंग्स पे चला देगा, वो भी 90 FPS में, प्लस इसमें एक्स बूस्ट परफॉर्मेंस बोर्ड भी है। स्टार्टिंग प्राइस इसका 22,999 है। फ्लिपकार्ट पे बढ़िया ऑफर भी चल रहा है और सेल भी है। अब देखो ये तो अटकेगा नहीं, तो तुम भी इसे लेने में अटको मत। और अगर तुम इसे जल्दी लोगे तो तुम्हें इसके साथ मिलेगा ये कूलिंग फैन। टेक्निकल गुरुजी ने अपनी वीडियो में इंडिया के एक्सप्रेसवेज के बारे में बात की। हमारे देश में ये तेजी से बढ़ता हुआ एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क जो है, ये हमारे देश की ग्रोथ में एक मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। दोस्तों मैं अभी दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ और फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 120 पे क्रूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज आती है वो है कंपैरिजन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो आप जानते हैं कि मैं दुबई में रहता हूं और मुझे दुनिया भर में घूमने का मौका मिलता है। ये जो हमारी करंट रोड्स हैं, जो हमारे मॉडर्न एक्सप्रेसवेज हैं, ये एकदम वर्ल्ड क्लास है। दोस्तों ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, जो हम इतना तेजी से ये सारा डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। चलो थोड़ी फाइनेंस रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। टाटा मोटर्स अब इंडिया में जैगुआर रेंज रोवर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा तमिलनाडु वाले प्लांट में। ब्लिंकिट अप स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करेगी फ्रॉम प्रीमियम ब्रांड सच एज एडिडास एंड कोस्को। तेलंगाना हैज बैंड गुटका पान मसाला फॉर 1 ईयर। अडानी पोर्ट्स 24 जून से सनसेक्स इंडेक्स का पार्ट होगा और ये रिप्लेस करेगा विप्रो को। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, टू स्टे अपडेटेड सब्सक्राइब। ताजा खबर मिलते अगली वीडियो में जल्दी। टिल देन हैव फन, बाय।